कहते हैं भारत में संगीत की उत्पत्ति विंध्याचल में और कला की भोजपुर में हुई, और जिस पेंटिंग की बात हम करने जा रहे हैं इसे भृगु ऋषि के काल से शुरू हुआ हुआ मानते हैं। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की भोजपुरी पेंटिंग के बारे में। वाह, देखिए बिल्कुल ये मधुबनी पेंटिंग जैसे ही दिखती है बिल्कुल, पर इसका तरीका बिल्कुल अलग है। और अनफॉर्चुनेटली मधुबनी पेंटिंग ने भोजपुरी और मंजूषा पेंटिंग जो कि यूपी बिहार की पेंटिंग्स हैं उनको ओवरशैडो कर दिया, पर भोजपुरी पेंटिंग का भी अपना एक स्वैग है। तो देखिए ये आपको दिख रही हैं मधुबनी पेंटिंग्स, जिसमें ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं और नेचुरल कलर से ही दीवारों पर पेंट किया जाता है, एग्जैक्टली जैसे मधुबनी में होता है। तो इसकी दो आर्ट फॉर्म्स होती हैं, एक तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये है कोबर, जो बिल्कुल हाँ मधुबनी में भी कोबर होता है, पर इनको कोबर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो दूसरी फॉर्म जो है उनकी वो होती है पीढ़िया, जैसे कि आप देख रहे हैं जिसमें फूल पत्ती इंसान जानवर सब बनाए जाते हैं। तो जो कोबर है उसमें शादी के संस्कारों को दर्शाया जाता है। कहते हैं कि विवाह के जो 64 संस्कार होते हैं उन्हीं में से कोबर भी एक है, जिसमें फूल पत्ती के अलावा नेचर, ये बाँस देख रहे हैं आप सामने, हाँ, और देवी देवता, विदाई समारोह और शादी के जो संस्कार होते हैं उन सबको रिक्रिएट किया जाता है। ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, कहीं से भी मधुमनी से कम नहीं है। दूसरी जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे उसे बोलते हैं पीढ़िया। पीढ़िया जो होती है घर की लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ों को, जैसे झाड़ू, चूल्हा, सांप, बिच्छू, डेली रिचुअल्स जो डेली विमेंस हाउस होल्ड्स होती हैं जो भी, वो सब इसमें डिनोट की जाती हैं। इसमें सांप, बिच्छू, सूरज, चंदा वगैरह सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, और तीज त्यौहार भी समटाइम्स इसमें तीज त्यौहारों को भी दिखाया जाता है। तो आपने देखा ये कितनी सुंदर है। जैसे कि हमने बात किया भोजपुरी पेंटिंग को बहुत ओवरशैडो किया मधुबनी पेंटिंग ने, पर इसमें फिर भी बहुत अलग है। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं, बेसिकली भोजपुरी कला जो एक पेंट कला है, मीन्स इसमें ये जो है वो डॉट से बनाई जाती है, इसमें लाइन तो होती है पर वो आपस में मिलती कम है, और छोटे छोटे डिज़ाइन से ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, है ना सुंदर, अलग, बिल्कुल यूनिक। तो जैसा कि मैंने कहा इसे मधुबनी ने ओवरशैडो किया, तो भोजपुरी कलाकारों ने जो वहाँ के 29 जिले थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि भोजपुरी को उसकी जगह मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट आरा रेलवे स्टेशन जहाँ पे सब भोजपुरी बोलते हैं, एटलीस्ट वहाँ के रेलवे स्टेशन में कम से कम भोजपुरी पेंटिंग ज़रूर लगाई जानी चाहिए। एक्चुअली वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो जब इसी जुलाई 22 जुलाई था, इसी में इन्होंने जब आवाज़ 40 जन का अपना आंदोलन किया, तो उसके बाद रेलवे के ऑफिसर्स ने कहा ठीक है अब से रेलवे स्टेशन, ना सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही पर बोगियों में भी भोजपुरी पेंटिंग दिखाई जाएगी। तो इस तरह से भोजपुरी भाषाई जो ज़िले हैं उन्होंने भोजपुरी पेंटिंग को एक बार फिर से उसका सम्मान दिलाने की बहुत ही बेहतरीन कोशिश करी है। तो ये है भोजपुरी पेंटिंग जो अब आप आरा रेलवे स्टेशन पे और कुछ बोगियों में देख पाएंगे, वो भोजपुरी भाषाओं जिलों की मेहनत की वजह से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भोजपुरी चित्रकला के बारे में जानकारी भी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।